ये टेपिंग की मदद से मैंने इस पे जो है सुई को चिपका रखा है, इसको टेप की मदद से। जैसे कि फर्स्ट बल्ब के सामने पे मैंने खोल रखा है इसको, तो मैं टेस्टिंग के लिए, फिर मेरे को याद आया कि हम तो जो है सुई से कर सकते हैं, तो सप्लाई आ रही है। ये टेस्टर में देख लीजिए लाइट आ रही होगी, और मैं ये करंट दे रहा हूँ तो आ रही है जा रही है। ये हमारा CPU का था। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं बलवंत कोरुंगा स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत गाँव से। अभी मैं अपने गाँव में देवकुना में, और आज का मौसम देख लीजिए आप, थोड़ा सा बादल वादल हैं, और रात को थोड़ा बारिश हुई थी, और अभी भी थोड़ा सा थोड़े छींटे आ रहे हैं। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जो कि चल रहा है अभी दिवाली का मौसम। तो दिवाली में जो है सभी लोग अपने घरों में लाइटें लगवाते हैं, तो लाइटें जो है ख़राब हो जाती है, पुरानी लाइटें। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि उन लाइटों को रिपेयर कैसे करेंगे आप, घर पर ही आप रिपेयर कर सकते हो उन लाइटों को। मैं दिखाता हूँ आपको आगे को ब्लॉग पर। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको लेके आया हूँ आज लड़ियों को सही करने का वीडियो। तो ये लड़ी मेरी ख़राब हो रखी है, और यहाँ पर है मेरा बटन या स्विच है, मैंने इसके लिए थोड़ा सा ही फंस जाता करके इसको लेके आया हूँ, यहाँ पर लगा रखा है। तो दोस्तों, मैंने इस पर लगा रखी सुई लगा रखी है, ये टेपिंग की मदद से मैंने इस पर जो है सुई को चिपका रखा है, इसको टेप की मदद से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है टेस्टर की मदद से जो है लाइट आ रही है इस पर, और जो फर्स्ट बल्ब है इसका हम दोनों सिरा देखेंगे। दोनों सिरों पर हम इसको 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 घोप के इसको दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर जब ये पास हो रही है, तो यहाँ से तो पास है ये, जैसे कि फर्स्ट बल्ब के सामने पे मैंने खोल रखा है इसको, तो यहाँ पर पास है ये। तो यहाँ पर हम देखेंगे उसके बाद कि जो फर्स्ट बल्ब है हमारा, इसके दोनों कोनों पर देखेंगे हम, यहाँ से तो पास है ये, तो यहाँ पास हो पा रही नहीं पा रही ये देखेंगे दोस्तों हम। तो दोस्तों, ये मोटी लड़ी है, तो हम इसमें देखेंगे कि हर बल्ब के कोनों कोनों पे, जैसे यहाँ पर को भी लाइट नहीं आ पा रही है। मैंने इसको खोल रखा है, वैसे अभी थोड़ी देर पहले खोला हुआ था मैंने, तो मैं टेस्टिंग के लिए, फिर मेरे को याद आया कि हम तो जो है सुई से कर सकते हैं। मैं भी अपने पहले सीधे सीधे कर रहा था, तो फिर मेरे को याद आया कि हम इसको टेस्टिंग के लिए सुई लगा सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने इसको लगाई सुई, और यहाँ पर ये ओके कर दिया, तो यहाँ पर लाइट नहीं आ पा रही है मेरी। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही इस वाले कोने में भी लाइट, इस वाले कोने पे लाइट आ रही है, इस वाले कोने पे नहीं आ रही है। तो इसका मतलब कि ये मोटी लड़ी है, तो हमको हर बल्ब को चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इसमें किया, तो पर इसको सुई को, तो यहाँ पर भी नहीं आ पा रही लाइट। और दोस्तों, ऐसे ही मैं इस पर करता हूँ अब, तो आपको हर बल्ब के दोनों कोनों पर लगाना है इसको, तो नहीं आ पा रही है। तो ऐसे ही सारे बल्ब को चेक कर दिया दोस्तों, ऐसे ही मैं सारे बल्बों को बीच बीच में तार, इससे जो है वायरिंग जो है शॉर्ट भी नहीं होगी आपकी, और सुई से, और ऐसे आप चेक भी कर सकते हो। तो मैं सीधे लेके चलता हूँ अब इसके लास्ट कोने पे, क्योंकि यहाँ सप्लाई तो बंद है इसकी, तो आपको पता होगा कि प्लस माइनस यहाँ से भी शुरू होता है उसके बाद। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे लास्ट कोने पर, तो दिखाता हूँ मैं आपको कितनी लड़ी है। ये 45 मीटर की लड़ी है मेरी, तो पूरी ख़राब हो चुकी है, मैं इसको जो है रिपेयर करना चाह रहा था, तो इसी कारण ये है। तो इसका लास्ट कोना है ये है दोस्तों, लास्ट कोना इसका ये है। तो मैं इस पे अब इस पे लगाऊंगा इस सुई को, सभी कोनों पे इसके यहाँ पे। तो ये जैसे लाइट आ रही है, ये देख लीजिए, क्योंकि मैं हाथ, ये टेस्टर होता है ये, तो जैसे ही मैं हाथ हटाऊंगा इसमें से, जैसे मैं हाथ हटाया तो लाइट गई, और ये आने लग गई है, ये देख लीजिए दोस्तों। कहाँ पे आती है लाइट बताओ ना, नहीं आ रही है? आ रही है ना, तो यहाँ पर आ रही है ना लाइट, ये हाँ। ये है लाइट, अगर आपको ऐसे दिख नहीं रहा तो मैं लाइट ऑफ करके भी दिखाता हूँ, ये है दोस्तों। तो आप सारे कोनों को ऐसे ही ट्राई कर लीजिएगा, इससे आपको, उसके बाद आप दूसरा बल्ब, दूसरे फर्स्ट बल्ब में सारे में आ रही है, तो दूसरे में जो प्लस माइनस का है इसको चेक करेंगे दोस्तों। आप ऐसे ही सप्लाई हो रही है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बल्ब यहाँ मैंने पहले इधर इधर साइड में लगा रखा है ये, फिर इसके दूसरे कोने पे, दूसरे कोने पे लगाया, तो यहाँ पर भी लाइट आएगी या नहीं आएगी, तो फिर ये बल्ब हमारा शॉर्ट होगा। ये देखिए दोस्तों, ये लाइट आ रही है, दिख रहा होगा आपको,
यहाँ पे, और ऐसे ही हम फिर इसे चेक करेंगे। सुई कहीं पर भी लगा सकते हो कि बल्ब के यहाँ पर ही नहीं, थोड़ा दूर भी लगा सकते हो जहाँ पर आपको सहूलियत मिले। तो ऐसे ही आप सुई से इसको चेक करेंगे और आप देख सकते हो ये सप्लाई हो रही है। अगर लाइट आ रही है दोनों कोनों पे तो ये लगाइए कि आप ये बल्ब सही है। तो ऐसे ही मैं सारे बल्बों को चेक करूंगा। सारे बल्बों को चेक करूंगा ऐसे ही मैं। तो ऐसे ही तो दोस्तों जैसे करते करते मैं पहुंच चुका हूं यहां पे। तो देखता हूं अब यहां पर क्या है, यहां पर थोड़ा कट है तो देख लेते हैं। इसी में से यहां पर तक लाइट आ रही है, देख लीजिए दोस्तों, दिख रहा है ना? हाँ, यहां तक लाइट आ रही है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या है। इतने सारे बल्ब को चेक करने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर इस कोने में तो लाइट आ रही है, सप्लाई सप्लाई आ रही है, देख लीजिए। ये देखिए जो सप्लाई आ रही है ये। अब मैं दूसरा कोना दिखाता हूं आपको। इस कोने पे सप्लाई नहीं आ पा रही इसकी दोस्तों। तो देख लीजिए यहां पर कोई लाइट नहीं है, ये देख लीजिए। आपको मैं लाइट बंद करने के बाद भी दिखाता हूँ। ये यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं आ पा रही है, और जो कि इसके दूसरे कोने पर सप्लाई है, जहाँ से सप्लाई जा रही है वहाँ पर सप्लाई है इसकी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर सप्लाई है। इसका मतलब ये बल्ब में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर इस बल्ब में प्रॉब्लम है आपकी तो हम करेंगे, पहले मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से लाइटों को जो मैंने ये कर रखा है। तो इसको मैंने कर दिया है साइड। अब हम इस बल्ब को हम जो है, अगर हमारे पास बल्ब है अवेलेबल तो हम उसको लगा सकते हैं नया बल्ब यहाँ पर, नहीं तो हमारे गांव घरों के जुगाड़ पे इसको सीधे हम कर देंगे साइड। इस बल्ब को हम शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि मेरे को अब अपनी पूरी लाइट तो सही करनी ही है। वैसे मेरे को थोड़ा सा खरोचना था उसको, लेकिन टूट गया मेरे से ये। तो इस बल्ब की मदद यहाँ पर की इसकी मदद से हम इसको कर देंगे अब इसको बढ़िया करके शॉर्ट। मुझे लग रहा है कि संभावना तो है मुझे कि ये जो है सही होगी मेरी लाइट पर, देखते हैं। देखते हैं दोस्तों, मैं भी ये पहली बार ही कर रहा हूँ, मुझे आइडिया आया तो मैं करने लगा। तो देख लेते हैं कि ये लाइट जले ना जले, जय हो। ये है दोस्तों आपके सम्मुख एक हमारी छोटी सी कोशिश। इसमें भी अभी दोस्तों एक ही लाइन जल रही है, इसमें हमको जो है अभी दो तीन लाइनें हैं इसकी। तो मुझे अभी इसकी दो लाइनें हैं, तो मुझे अभी इसकी और भी लाइनों को चेक करना होगा। तो ऐसे ही अब हम, क्योंकि वहां तक तो हमारे सारे बल्ब चालू थे, तो हम अब यहां पर चालू करते हैं इसको, देखते हैं कि यहां पर आती नहीं आती लाइट। गुड नहीं रहा दोस्तों मेरा सुई, क्योंकि हम यहाँ पर भी नहीं आ पा रही है। तो दोस्तों मेरे काफी ढूंढने के बाद मेरे को यहाँ पर को जो है इस वाले, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है लाइट आएगा नहीं आई देखता हूं मैं।
ये देखिए दोस्तों, आ रही है यहाँ पर लाइट अब तो, क्योंकि लाइट ही ज़्यादा होगी तो दिखेगा नहीं आपको। मैं दिखाता हूँ आपको, अब इस लड़ी में मेरे दो बल्ब कहीं ना कहीं फ्यूज होंगे, या तीन भी हो सकते हैं। जैसे ये है तो यहाँ तक देख सकते हैं आप, ये लाइट दिख रही होगी आपको इसमें, टेस्टर में, टेस्टर में देख लीजिए लाइट आ रही होगी, और मैं ये करंट दे रहा हूँ तो आ रही है जा रही है। तो ऐसे ही ये यहाँ से पास है कि नहीं ये देखूँगा मैं, तो ये यहाँ से ये पास है दोस्तों, देख लीजिए। अब आपको ये देख लीजिए, पास है दोस्तों यहाँ से, ये आप बीच में सेंटर में देख सकते हो टेस्टर के, कि ये लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, ये देख लीजिए। अब मैं यहाँ पर से अगले बल्ब की ओर चलता हूँ, तो ये बल्ब तो जल रहा है, ठीक है, ये तो पास है। अब मैं इसके यहाँ पर को जाऊँगा तो देखता हूँ मैं यहाँ पर क्या है अब सिचुएशन। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ की सिचुएशन ये है कि ये पास है, ये भी, ये देख लीजिए आप टेस्टर को, देखिए आप टेस्टर के बीचों बीच लाइट आ रही है बीच में ये। अब जो है इसके बगल वाले को देखूंगा मैं, तो इसका बगल वाला सिरा जो है आ रही नहीं आ रही, दिखाता हूँ मैं आपको बगल वाले सिरे पे, तो देख लीजिए दोस्तों बगल वाले सिरे पे लाइट नहीं आ रही है, जैसे कि उसके दूसरे सिरे पे लाइट आ रही थी। तो मैं अब करूँगा अपने लाइट को ऑन, और आपको दिखाता हूँ मैं अब इस लाइट को पूरी तरह ऑफ कर दूँगा, और जो है यहाँ पर भी मैं वही सिचुएशन रखूँगा इसकी, कि इसको शॉर्ट करेंगे हम यहाँ से, इसको हम करेंगे शॉर्ट, इस बल्ब को हम नहीं जलाएंगे अब, या फिर हमारे पास बल्ब उपलब्ध होते तो हम यहाँ पर दूसरा लाइट लगा लेते। और अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर बांध के रख दिया है, और मैं लगाऊंगा अब अपने इस कनेक्शन को, मैंने ऐसे में ले रखा है, ये हमारा सीपीयू का था तो मैंने ले रखा। तो देख लीजिए अब सारे बल्ब मेरे झम्माझम जलने लग गए हैं, देख लीजिए। तो ये है आपका पुराने लाइट को सही करने का एक आसान तरीका। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आपको आपके सम्मुख लेके आऊँगा इंटरेस्टिंग वीडियो। और दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको मेरा लाइट सही करने का वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही लड़ियाँ आप रिपेयर कर सकते हो, तो इसी तरह से आप भी घर पर ही जो है लड़ियाँ सही कर सकते हो, इसमें आपको कुछ नहीं लगना है। टेस्टर के ऊपर लगाइए आप सुई, या कोई इंजेक्शन है तो वो भी लगा सकते हैं आप, तो इससे जो है हम एक एक लाइट को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करो दोस्तों, और अपना सपोर्ट ऐसा ही बनाए रखिएगा। ओके, बाय बाय।